शाहिद भाई मैं बस आपसे ये जी खुद ऑलराउंडर्स की यहाँ बात करी आपने, आप से बड़ा ऑलराउंडर पाकिस्तान में है, आपके पास अब्दुल रजाक थे, अजहर महमूद थे, कपिल पाजी यहाँ ऑलराउंडर पे, मैं आप दोनों ही ऑलराउंडर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। T20 आमतौर पे माना जाता है कि ऑलराउंडर्स का गेम है, मगर जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है डोमिनेट कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्या वाकई में स्पेशलिस्ट ज़्यादा भारी ऑलराउंडर्स पे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास एक ऑलराउंडर है वो सिक्स बॉलर आ जाता है, सेवन्थ बॉलर आ जाता है। T20 में ये नहीं हो सकता कि पांच के पांच गेंदबाज एक दिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करें। अगर कप्तान के पास वो ऑप्शन है कि बीच में एक दो ओवर दूसरे गेंदबाज ऑलराउंडर से करा लेता है, तो उसमें एक स्ट्रेंथ आती है, टीम को स्ट्रेंथ आती है कि अगर पाँच मेन बल्लेबाज खेल रहे हैं, फिर आपके पास दो ऐसे बैट्समैन हैं जिन फेयरलेस, जिसको क्रिकेट कहते हैं ऑलराउंडर को, अफरीदी भी खुद फेयरलेस थे क्योंकि रन नहीं बने तो गेंदबाजी कर लेंगे, तो इसलिए वो टीम में ऑलराउंडर का इम्पैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। शाहिद भाई, मैं बिल्कुल कपिल भाई की बात से बिल्कुल ठीक है, उनको सेकंड करूंगा। ऑलराउंडर्स की अपनी एक रेपुटेशन है, उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह कपिल भाई कह रहे हैं कि अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, तो आई नो के ऑलराउंडर्स का होना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर, आधा तीतर आधा बटेर वाला नहीं। अच्छा मैं जरा अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस का मैच हुआ था, सवेरा एडवांटेज ऑलराउंडर सवेरा इंडिया के पास है, इन दोनों एडवांटेज ऑफ व्हाट रोमाना, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर की बात कर रही हूं, नहीं एडवांटेज ऑफ ऑलराउंडर, एडवांटेज ऑलराउंडर इंडिया के पास था रविंद्र जडेजा के बाद आउट होने के बाद, क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऑब्वियसली मैच सबने देखा था, पांड्या वाज द फिनिशर हु फिनिश्ड द मैच, बट जिसने इस हु जिसने पार्टी शुरू की थी वो जडेजा थे, पांड्या ज्वाइंड इन, तो अब जब जडेजा नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को प्लान बी पे जाना पड़ेगा, दिस वाज द प्लान ए जडेजा के साथ, सो इंडिया वुड शिफ्ट टू प्लान बी ऑन दिस हाई प्रेशर मैच। और जहां आप ऑलराउंडर्स की बात करती हैं तो हमारे पास खुशदिल है, खुशदिल बोलिंग भी करा सकते हैं, और खुशदिल ने जिस तरह अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है, खुशदिल हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेरी डोमिनेंटली, तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तान का पलड़ा इस पे हल्का नहीं है, डेफिनेटली पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, आप सारी बातें एक साइड पे रख दें, क्योंकि गिवन डे पे रोमाना चाहे टीम ऑन पेपर जो भी स्ट्रांग हो, जो भी मैन टू मैन मार्किंग हुई हुई हो, गिवन डे पे ऑल दैट मैटर्स इज द कॉन्फिडेंस दैट द टीम इज ब्रिंगिंग इन, और 155 की जीत से चाहे वो हांगकांग हो, स्विट्जरलैंड हो, दुबई, यूएई हो, वट एवर टीम इट इज, 155 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, बिकॉज यही हांगकांग की टीम भारत के अगेंस्ट खेली थी, और भारत को आसानी से नहीं उन्होंने जीतने दिया था, वो तो पांड्या की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी एक, जिसकी वजह से हांगकांग बिल्कुल बैकफुट पे आ गया था, तो ये कॉन्फिडेंस लेके पाकिस्तान जाएगी मैच में।